नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जगदीश है। आप देख रहे हैं YouTube चैनल ITI ज्ञान। और आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में फाइल या फोल्डर कैसे बनाएं। दोस्तों, फाइल या फोल्डर बनाने के लिए आपको ज़्यादा सोचना नहीं है कि हम ये कैसे करें। अगर आप नए हैं तो बेशक ये आपके लिए बहुत ही आसान तरीका होगा। आपको मैं बहुत ही आसान तरीके से फाइल या फोल्डर बनाना बताऊंगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर इस कंप्यूटर में हमारा जो ये डेस्कटॉप है, आपको जैसे ये जो दिखाई दे रहा होगा, ये फोल्डर है, ये भी फोल्डर है जिसको हम फाइल कह सकते हैं। ये जो है ये सारे फोल्डर्स है। और ये जो है ये आइकन है दोस्तों, सॉफ्टवेयर का जो आइकन होता है ये वो है। तो आपको इस तरह से फोल्डर बनाना है। जैसे आप किसी भी फोल्डर के अंदर में जाएंगे तो आपको काफी सारी फोल्डर्स दिख सकते हैं। तो आपको ऐसा एक फोल्डर बनाना सीखना है। तो उसके लिए आपको सिंपल है, आप कहीं पे भी फोल्डर बना सकते हैं। आप चाहे यहाँ भी बना सकते हैं, चाहे आपको, अगर मान लीजिए कि आपको फोल्डर अपने जैसे पार्टीशन के अंदर में बनाना है, तो उसके लिए आपको अपने दिस पीसी या माई कंप्यूटर में जाकर अपने पार्टीशन ओपन कर लेंगे। तो ये आपको दिखाई दे रहे हैं, ये आपके हार्ड डिस्क के पार्टीशंस है। तो आप किसी भी फोल्डर में फाइल बना सकते हैं। तो उसके लिए हम आपको इस फोल्डर में फाइल बना के दिखाएंगे। उसके लिए आपको सिंपल इसको डबल क्लिक करके ओपन करना होगा। ओपन करने के बाद यहाँ आप देख रहे हैं कि अभी हमको एक फोल्डर या फाइल बनाना है। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना होगा, सिंपल है। आप अपने माउस का राइट बटन क्लिक करके एक बार यहाँ पर आप ऑप्शन में देखेंगे, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नजर आ रहा है न्यू। न्यू पे जाके जैसे ही आप कर्सर रखेंगे, उसी के साइड में एक छोटा सा विंडो खुल जाएगा, पॉपअप विंडो। तो उसमें यहाँ पर सबसे ऊपर में लिखा हुआ आ रहा है फोल्डर, तो आपको उसको सिंपली लेफ्ट क्लिक कर लेना है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ एक फोल्डर बन रहा है। तो अभी हमको बन चुका है हम कह सकते हैं, पर अभी आपको जैसे इसको न्यू फोल्डर नेम नहीं रखना है। जैसे आपको कोई अपना नाम रखना है उस फोल्डर का या फाइल का, तो आप यहाँ पर अपना नेम कीबोर्ड से टाइप कर दे, जैसा कि मैं यहाँ पर अपना नाम लिख दिया, और इसको आपको कीबोर्ड से ही एंटर कर देना है। तो आप देख रहे हैं दोस्तों कि ये जो है यहाँ पर फोल्डर बन चुका है। अब आप इसको एक बार रिफ्रेश कर लीजिए तो ये अल्फाबेटिक रूप से अपना अपनी जगह ले लेगा, जैसे कि यहाँ ले लिया है। ये तो हुआ दोस्तों फोल्डर बनाना। अब हम आपको इसी फोल्डर को जैसे रिनेम करना करना चाहते हैं, जैसे आप ये अपना जो नाम अभी आपने दिया है इसको आप दूसरा नाम देना चाहते हैं, तो आपको सिंपल उसी फोल्डर के ऊपर में सेलेक्ट करने के बाद में राइट क्लिक करना होगा। और राइट क्लिक करने के बाद में यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर एक रीनेम का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर रीनेम पे क्लिक कर देंगे। फिर से आपको आपको अगर जैसे इस फोल्डर का नेम चेंज करना है, तो आपको कीबोर्ड से जो भी आप इस फोल्डर को नेम देना चाहते हैं वो आप टाइप कर दीजिए। मान लीजिए मैं इसका नाम रख देता हूँ रिंकू, तो मैंने रिंकू टाइप करने के बाद में इसको क्लिक कर दिया, तो ये दोस्तों फोल्डर तैयार हो गया। फिर से हम इसको अगर एक बार क्लिक रिफ्रेश करेंगे तो ये अल्फाबेटिक नेम ले लेगा, अपनी जगह ले लेगा। ऐसा आप फोल्डर कहीं भी बना सकते हैं। फिलहाल मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के लिए मुझे यहाँ डिलीट प्रेस डिलीट पर क्लिक कर दिया, मैंने ये फोल्डर डिलीट कर दिया। अब हम इस डेस्कटॉप के या कंप्यूटर के, अगर हम इसमें विंडो स्क्रीन पर देखना चाहते हैं, फर्स्ट जो इंटरफेस होता है, हम यहाँ पर इस विंडो स्क्रीन पर भी हम एक फोल्डर बना सकते हैं। एक नहीं, कई, आप जितना चाहें उतने फोल्डर तैयार कर सकते हैं। तो उसके लिए भी आपको सिंपल यहाँ पर भी ऐसे ही करना होगा, न्यू में जाना होगा। न्यू में जाने के बाद में फोल्डर पे जाएंगे और आपको उसका कोई भी नाम दे देना है। तो मैंने यहाँ नाम दे दिया, ये फोल्डर बन चुका है। अब चाहते हैं कि आप इस फोल्डर के अंदर भी एक फोल्डर बनाना चाहते हैं, तो उसको सिंपली ओपन कर लीजिए। हमने ये फोल्डर ओपन कर लिया, इसके अंदर भी हमको और फोल्डर बनाने हैं, तो हम फिर से फोल्डर बनाएंगे और उसी तरह से हम न्यू में जाएंगे। न्यू में जाने के बाद फोल्डर पे जाएंगे, फोल्डर में जाने के बाद हम इसको कुछ भी हम नाम देकर इसको एंटर कर देंगे, ये फोल्डर तैयार हो गया। तो दोस्तों आप ऐसे कई सारे फोल्डर्स बना सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर एक ये फोल्डर बनाया और उस फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर बनाया। अब आप इसके अंदर में अपने किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट्स रख सकते हैं, जैसे कि फाइल, फोल्डर,
या फिर आप जैसे फाइल फोल्डर डॉक्यूमेंट्स भी रख सकते हैं, इमेज रख सकते हैं, सॉन्ग रख सकते हैं, वीडियो रख सकते हैं, आपको जो भी इस फोल्डर के अंदर में रखना है वो आप यहाँ पर रख सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में सीखा कि हम फोल्डर या फाइल कैसे बनाएं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।